हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल आल क्यूब स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, बिहार पुलिस कांस्टेबल की जो है बंपर भर्ती आ गई फ्रेंड्स। इसमें टोटल पोस्ट जो है 11,880 पोस्ट आई हुई फ्रेंड्स है। और इसका ऑनलाइन आवेदन कब से शुरू होगा, इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज लिमिट क्या मांगा गया है और फार्म फीस कितनी लग रही है, तो सभी जानकारी फ्रेंड्स हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे फ्रेंड्स। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए हुए फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो लोग अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में दिख रहा बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इससे क्या होगा, हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले मिलता रहेगा। और फ्रेंड्स, मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी मैं तैयारी से संबंधित कुछ जो है पीडीएफ जो है सेंड करता रहता हूँ, तो उसके जरिए आप लोगों को जो है एग्जाम में काफ़ी मदद मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, हम लोग चलकर वेबसाइट पर देख लेते हैं क्या जानकारी मेंशन किया गया है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैं वेबसाइट पर आ गया हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं www.sarkarresult.com पर मैं आ गया हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल, यहाँ पर CSBC यहाँ पर दिया गया, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल रिक्वायरमेंट 2019 यहाँ पर दे दिया गया है। तो हम लोग कुछ इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या जानकारी मेंशन की है। तो पहले हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट्स फ्रेंड्स जो है 5/10/2019 को फॉर्म भरा जाने वाला, ठीक है, यानी कि आज से ही जो है फॉर्म भरना जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन अप्लीकेशन का जो है लास्ट डेट जो है वो 4/11/2019 है। कितना है, 4/11/2019। और इसका फीस पेमेंट का जो है लास्ट डेट भी जो है 4/11/2019 दिया गया, ठीक है। एग्जाम के बारे में अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया फ्रेंड्स, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर नोटिफिकेशन सून लिखा हुआ है, ठीक है। और भी एडमिट कार्ड के बारे में नोटिफिकेशन जल्द ही दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चैनल से बने रहिएगा, जैसे ही अपडेट आता है मैं आप लोगों के पास अपडेट्स को प्रोवाइड करता रहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अप्लीकेशन फीस के बारे में, यहाँ पर देखिए जनरल OBC और डेफिनेशन के लिए जो है 450 फीस लग रहे हैं और ST SC PH के लिए जो है 112 मात्र फीस लग रहे हैं। और यह पेमेंट जो है आप लोग जो है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड जो है सभी तरीके से, नेट बैंकिंग के तरीके सभी तरीके से आप लोग जो है इस पेमेंट को जो है पे कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं फ्रेंड्स वैकेंसी डिटेल्स में कुछ दिए गए हैं, ठीक है, वैकेंसी डिटेल्स, ठीक है। टोटल पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हैं 11,880 पोस्ट आए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है कांस्टेबल की जो है पोस्ट आई हुई फ्रेंड्स, और इसमें 11,800 जो है 80 पोस्ट आई हुई फ्रेंड्स। इसमें मिनिमम एज देख लीजिए, यहाँ पर मिनिमम एज जो है 18 साल से लेकर 25 ईयर के जितने भी छात्र एवं छात्राएं हैं सभी लोग इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो है योग्यता केवल 10+2 मांगा गया, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ जो है कैटेगरी वाइज यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कांस्टेबल पोस्ट आई हुई है, जो हमें कांस्टेबल पोस्ट में जनरल के लिए पूरे जो है 4,778 पोस्ट आया हुआ है, और BC के लिए जो है 1,419 पोस्ट आया हुआ है, और EBC के लिए जो है 2,129 पोस्ट आया हुआ, और EWS के लिए जो है 1,188 पोस्ट आया हुआ है, और SC के लिए जो है 1,893 पोस्ट आया है, ST के लिए जो है 119 पोस्ट आया हुआ है, और जो है BC के लिए जो है BC फीमेल के लिए है यहाँ पर 354 पोस्ट आया हुआ है, यानी टोटल पूरे 11,800 जो है 80 पोस्ट आए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या जानकारी है। फिजिकल कुछ डिटेल्स यहाँ पर मेंशन किए गए हैं, यहाँ पर देख लीजिए जनरल मेल के लिए फ्रेंड्स है, ठीक है। जनरल मेल के लिए यहाँ पर देख लीजिए जनरल OBC, ठीक है, ठीक है, जनरल OBC यहाँ पर देखिए कैटेगरी देख लीजिए जनरल OBC, यहाँ पर हाइट जो है 165 सेंटीमीटर मांगा गया है, ठीक है। और ST SC के लिए फ्रेंड्स है यहाँ पर 160 सेंटीमीटर मांगा गया, ठीक है। और चेस्ट जो है 81 से 86 मांगा गया है जनरल OBC के लिए, और ST SC के लिए जो है 79 से जो है 84 मांगा गया, ठीक है। और रनिंग भी देख लीजिए यहाँ पर है जो है रनिंग ST SC OBC जनरल के लिए सभी के लिए जो है 1.6 किलोमीटर यहाँ पर मांगा गया, यानी कि 1600 मीटर जो है मांगा गया है, वो भी 6 मिनट में आप लोगों को लगाना होगा। और यहाँ पर गोल फेंकना भी होगा, जो है 16 पाउंड का जो है गोल होगा है उसको 16 फीट फेंकना पड़ेगा, ठीक है। 16 पाउंड का गोल होगा है जो कि उसको आप लोगों को 16 फीट जो है दूर फेंकना पड़ेगा। और हाई जंप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 4 फीट जो है हाई जंप, ठीक है। और यहाँ पर देख लीजिए फीमेल के लिए क्या मेंशन किया गया है, फीमेल में ऑल कैटेगरी चाहे OBC हो चाहे जनरल हो चाहे ST SC सभी के लिए जो है 155 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है, और चेस्ट नहीं मांगा गया फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 1 किलोमीटर यहाँ पर 5 मिनट में दौड़ना पड़ेगा फीमेल को, ठीक है। और फीमेल को जो है गोल फेंकना जो होता है वो 12 पाउंड रहेगा और 12 फीट फेंकना पड़ेगा, ठीक है। और हाई जंप इनका होगा मात्र 3 फीट जो, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है यहाँ पर दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है वैकेंसी यहाँ पर डिटेल्स दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे है यहाँ पर देख लीजिए पटना के लिए आया हुआ है, ठीक है, 1,125 पोस्ट पटना के लिए, ठीक है। तो और यहाँ पर देख लीजिए नालंदा के लिए 408 पोस्ट हुआ है, बक्सर के लिए जो है 279 पोस्ट आएगा। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग डिटेल्स देख लीजिए, क्योंकि ये मैं पूरा एक कोर्स बताऊंगा फ्रेंड्स, तो जो वीडियो जो है बहुत बड़ा हो जाएगा फ्रेंड्स है, तो इसको आप लोग जो है यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको पूरा जो है सीरियल बाय सीरियल यहाँ पर आप लोग है देख लीजिए है,
सभी जानकारी मेंशन किया गया है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, मैं आखिर में आ जाता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर देख लीजिए है, यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन इसका चालू होगा, क्लिक हियर पर क्लिक करके आप लोग है जो है डायरेक्टली ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर साइबर कैफे जाकर ऑनलाइन करा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए लॉग इन टू कम्प्लीट फॉर्म, यानी आप लोग फॉर्म कम्प्लीट हो गया फीस पेमेंट नोमेंट के लिए है, आप लोग है यहाँ पर लॉग इन कर सकते हैं, ठीक है, क्लिक हियर पर क्लिक करके, ठीक है। डाउनलोड नोटिफिकेशन, इसका नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, इस क्लिक हियर पर क्लिक करके जो है इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। यदि आप लोग देखना चाहते हैं वैकेंसी जो है फर्जी है या ओरिजिनल है, तो आप लोग है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली यहाँ पर देख सकते हैं कि जो है वैकेंसी ओरिजिनल है या फेक है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये जो वैकेंसी जो है ओरिजिनल है, 100% श्योर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोग निश्चित हो जाइए फ्रेंड्स और फटाफट जो है तैयारी में जुट जाइए। और फ्रेंड्स जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारे लिए सब कुछ होता है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए फ्रेंड्स, मैं इससे अच्छी अच्छी जो है वैकेंसी लेकर आता रहता हूँ फ्रेंड्स। यदि आर्मी से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आर्मी से संबंधित ऊपर रैलिए जितनी भी आए हूँ फ्रेंड्स, सबकी वीडियो मैं डाल दिया हूँ फ्रेंड्स, आप लोग जाकर हमारे प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।